अपडेट निकल के आ रही है बीटीसी एनएम 10709 पोस्ट के रिगार्डिंग, क्या सुप्रीम कोर्ट से अपडेट निकल के आई, चलिए इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स हम आपको बता रहे हैं। इसीलिए सभी लोग ध्यान से समझिएगा, एक एक प्रश्न का जवाब इस वीडियो में देने वाले। बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं, जो अभी नया नया केस हुआ है, तो सभी केस के बारे में भी हम आपको डिटेल से बताने वाले हैं, एक एक प्रश्न के बारे में भी हम आपको डिटेल्स में बताने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार हम दूसरा जो है चलिए हम आपको केस डायरी नंबर से निकाल के दिखाते हैं एक एक करके। यहां से आपको निकाल लेना है, नीचे आपको डायरी नंबर इसमें डालना है 22,730 और इसमें आपको कैप्चा एंटर करना है, देख लीजिए नीचे इसमें आप कैप्चा एंटर कर दीजिए। आपके सामने हर चीज खोल के आ जाएगा, देख लीजिए आ गया यहाँ पे, ऊपर क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, देख लीजिए यहाँ पर मेन केस यही है। तो चलिए हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे एक एक करके हम आपको दिखा रहे हैं। फिर से हम आपको चेक करके बता देते हैं, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत होगी, उसके बाद दिक्कत नहीं होगी। डायरी नंबर आपको 22,730, जो लोग भी बोल रहे हैं जो 18 को सुनवाई नहीं होगी उसी सबको अभी हम बता रहे हैं, जो कौन बोल रहे हैं 18 को सुनवाई नहीं होगी। तो देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ से व्यू आपको करना है तो पूरे यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं डेट क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको डेट भी दिया हुआ है, देख लीजिए आप यहाँ से देख सकते हैं 18/10/2024 जो कि कंप्यूटर जनरेटेड है। ठीक है, और जो भी केस है, एक नया भी केस हुआ है अभी सीमा कुमारी वाला केस, वो भी हम आपको दिखाते हैं, एक सीमा कुमारी का है। ठीक है, उसका भी हम केस के बारे में अभी आपको डिटेल्स बताते हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद बिहार सरकार भी पहले हम चेक कर देते हैं, मेन केस यही दो है, ये अंजलि कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी और एक बिहार सरकार का है, वो भी हम आपको चेक करके बताते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी हम आपको चेक करके बता देते हैं। ये देख लिए आप, तो चलिए यहां से थोड़ा सा बैक हो जाना है या यहीं से ले लीजिए। बिहार सरकार के आपका डायरी नंबर है, एक मिनट, पहले एक बार जो है ना अभी सीमा कुमारी वाला चेक कर देते हैं। जो एक नया जो केस हुआ है वो भी हम आपको चेक करवाते हैं, उसके बाद बिहार सरकार भी हम आपको चेक करके बता देंगे। थोड़ा सा तो दिक्कत होगा ही, चलिए। तो डायरी नंबर है 42,336, ये सीमा कुमारी का है, यहाँ पे आपको डाल देना है कैप्चा। जब ये केस को जो है सर्च मारेंगे
नीचे खुल के आ रही है, देख लीजिए यहाँ पे सीमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, ठीक है। इस केस में आप आएंगे तो इसका देख लीजिए यहाँ पे टेंटेटिव डेट 14/10/2024 दे रहा है, क्या दे रहा है 14/10/2024। अब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं जो ये केस को कब सुनवाई होगी, तो दोस्तों ये जो आपको दिया हुआ है ये टैग हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा उसी केस में, ठीक है। उस केस में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लेना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, जो लोग भी अभी बता रहे हैं 18 को सुनवाई नहीं होगी तो ये बता रहे हैं, अभी इसी का जो है चर्चा हो रही है, सीमा कुमारी वर्सेज अर्चना कुमारी, इसका जो है बीच में कैसे आ गया, ये 14/10/2024 क्यों आ गया। तो जो भी केस देखिए, जो भी केस हो रहा है, मेन केस तो आपका अंजलि कुमारी का है, ठीक है, सभी केस क्या होगा उसमें मर्ज हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा भी आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, नहीं आपको परेशान होना, ध्यान से समझिए, एक एक बातों को आपको ध्यान से समझना है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत। और अभी 10 बजे लाइव आते हैं तो और भी हम आपको डिटेल्स में समझाने वाले हैं, ये छोटा सा हम रिकॉर्ड करके दिए हैं जो, ताकि कहीं से कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बताइएगा वीडियो का क्वालिटी कैसा है, सही से रिकॉर्ड हुई है, आवाज क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है। बाकी अभी 10 बजे हम मिलते हैं लाइव में, तो उसमें पूरे डिस्कस हम लोग करने वाले हैं। थैंक यू।